Assalamualaikum जी, मैं जुबैर फारूक एक बार फिर से आपको मेरे चैनल के ऊपर वेलकम खुश आमदीद और जी आया हूँ करता हूँ। तो आज मैं मौजूद हूँ लाइव अपने किचन से। हम यहाँ पर बनाने वाले हैं तेह वाली बिरयानी। तो हम आपको तेह वाली बिरयानी दिखाएंगे, उससे पहले हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियोज को लाइक करेंगे और आपने शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो ये चेक करें, चिकन हमारे पास मौजूद है तकरीबन जो है ना वो 1.5 किलो के करीब है। 4 प्याज ले लिए हैं, 2 टमाटर हैं, 8 हरी मिर्चे हैं, 5 लेमन है, साथ में पुदीना भी है। सबसे पहले जो है ना वो प्याजों को चॉप किया जा रहा है, काटा जा रहा है। अब ये चेक करें मशा से प्याज कितने कमाल के हैं और इनकी कटाई की जा रही है बेहतरीन किस्म की मशा से। अच्छा जी, बात की जाए राइस की, तो हमारे पास जो है वो राइस जो मैंने भिगो दिए हैं। आप चेक करें राइस कितने कमाल के भिगोए हुए हैं माशाल्लाह से, बहुत ही बेहतरीन किस्म के राइस हमने भिगो दिए हैं। ये पतीला है, इसमें भी पानी ऐड कर देते हैं। वाटर ऐड करने के बाद जो है वो पीछे चावल जो है वो उबाले के लिए रख देते हैं माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे प्याज जो है वो कट गए हैं और जी ये गए प्याले में माशाल्लाह से। प्याज सारे हमने जो है वो काट लिए बेहतरीन किस्म के माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अगर बात की है प्याजों की, तो आप ये चेक करें हमारा जो प्याज काटने का स्टाइल और साइज है वो थोड़ा यूनिक है। अगर आपने चावल पकाने हैं तो बिल्कुल बारीक प्याज नहीं कर रहे हैं, थोड़े मोटे लगते होते हैं प्याज को। मैंने पतीले में जो है वो पानी ऐड कर लिया, जिससे तकरीबन 3 लीटर पानी है जो मैंने जो है वो इसमें ऐड कर लिया। इसमें जो है वो 1.5 किलो चावल अभी हम जो है ना वो इसमें बॉयल करने के लिए रखेंगे फ्लेम के ऊपर, ना स्लो फ्लेम के ऊपर। आलू हमारे शामी के लिए बॉयल हो रहे हैं और अभी यहाँ पर बारी आई है टमाटो की काटने की, वो भी टमाटो को काट लेते हैं। अच्छा टमाटर की बात की जाए तो इसको भी आपने ना बारीक बारीक ही चॉप करना है, क्योंकि सॉरी मोटा मोटा काटना है। बारीक जो है ना वो ज्यादा जो है ना वो मजा नहीं करवाते, तो इसको भी थोड़ा देखना मतलब ये इस तरह मोटे मोटे जो है ना वो चॉप करना है इसको माशाल्लाह से। अब ये चेक करें यहाँ पे कितने कमाल के टमाटरों को जो है ना हमने काट लिया अच्छे तरीके से, चॉप कर लिया लाइक ना। ये लोग टमाटरों को निकाल लेते हैं माशाल्लाह से, बहुत ही कमाल के टमाटर हमने जो है ना वो बारीक बारीक काट लिए। ये चेक करें हरी मिर्चों को काटने की बारी आएगी, तो आपने पीछे नहीं हटना, हरी मिर्चों को जो है ना वो भी आपने बारीक बारीक काट लेना है। तो राइस के लिए भी माशाल्लाह हरी मिर्चों को भी हम लोग काट रहे हैं, हरी मिर्चें जो है वो सारी सारी हमने काटनी है बेहतरीन किस्म की। हमारा चिकन यहाँ पे मौजूद है ऑलरेडी, आलू जो है वो हमारे बॉयल हो रहे हैं और साथ में टमाटर चिकन कमा रहे हैं। और अब रही बात पुदीने और जो है ना वो लेमन की, तो इसको भी निकाल के आते हैं। चावलों को बॉयल करने के लिए हमने पानी जो है वो 3 लीटर रख दिया है, नीचे आग जल रही है। अभी हम इसमें जीरा और काली मिर्चों को थोड़ा ऐड कर देते हैं मशाला से बेहतरीन किस्म की, ताकि जो है ना वो इसमें जो है इसमें ज़्यादा मारे रहें। ये चेक करें ये 2 चुटकियाँ हमने जो है ना वो जीरे की ऐड कर दी हैं और इसमें जो है वो काली मिर्च भी ऐड करेंगे, साबुत काली मिर्च और थोड़ा नमक भी, थोड़ा नमक भी ऐड कर देंगे। ये हमने जो है ना 1 स्मॉल टेबल स्पून जो है वो ऐड कर दिया। ये जी इसमें जो है ना वो हम ऐड कर रहे हैं माशाल्लाह से मिंट, थोड़ा सा हमने जो है वो इसमें पुदीना भी ऐड कर दिया। ये रेसिपी आपने याद रखनी है चावल जो है ना वो बॉयल करने के लिए भी आपको जो है थोड़ा सा ऐसा तरीकाकार चाहिए कि जिससे चावलों में फ्लेवर आ जाएगा। हम लोगों ने जो है ना वो कढ़ाई को निकाल लिया, इस वक्त माशाल्लाह से गर्म होने के लिए रख दिया है। प्याज जो है ना अभी आप लोग हाफ ऐड करेंगे, हाफ जो है ना वो लास्ट में तड़का लगा के ऐड करेंगे। अभी हम इसमें ऑयल ऐड कर देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चेक करें अभी हमने जो है ना इसमें हसबे तफरीक ऑयल ऐड कर लिया है, तकरीबन जो है ना 2 चम्मच है ऑयल जो है ना वो मसाला जहाँ पर प्री हीट हो चुका है। अभी हम इसमें जो है ना वो ऐड करेंगे बहुत ही कमाल का मसाला गर्म, जो कि थोड़ा सा डाल के इसको भून लेते हैं, क्योंकि ये रेसिपी हमारी बहुत कमाल की है। दालचीनी लौंग और जो है ना वो साबुत काली मिर्च को डाल के हम इसको भून लेते हैं। सब इसमें ऐड कर लेते हैं मसाला से प्याज बिस्मिल्लाहिर्रहमान का हम चेक करें। अच्छा तो प्याज हमें साथ में 4 प्याज काट रहे वो हमें आगे ऐड कर रहे हैं, तकरीबन 2.5 प्याज हमें ऐड करनी है और 1.5 प्याज हमें तड़का लगाते हुए बाद में ऐड करनी है। अच्छा मेरी बात को आपने जो है ना वो गौर से सुनना है, क्योंकि राइस बनाते हुए थोड़ी सी गलती भी आपके राइस को या तो जरा डाल देगी या जो है वो उसको कच्चे रह जाएंगे, तो राइस को बड़ा ध्यान से बनाना है। ये चेक करें आप इस वक्त जो है ना माशाल्लाह से प्याज को ब्राउन कर देना थोड़ा अच्छे तरीके से। और अगर बात की जाए यहाँ पर पानी की, तो ये देखें जीरे वाला पानी अभी तक बॉयल हुआ नहीं है, खुशबू बहुत कमाल की आ रही है। तो ये जैसे ही थोड़ा ज़्यादा बॉयल होता है तो हम इसमें जो है ना वो चावल ऐड करते हैं, हमारे चावल यहाँ पर स्टील पड़े हुए हैं। अभी इसको जो है ना वो हम यहाँ पर थोड़ा गर्म कर लें माशाल्लाह से, ये चेक करें। अच्छा अदरक और लहसुन जो है ना उसको आपने नहीं भूलना पेस्ट में, तो यहाँ पर बना रहे हैं हम लोग पेस्ट अदरक और लहसुन का बहुत ही कमाल का माशाल्लाह से। इसमें जो है कि हम राइस ऐड कर देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि पानी उबलना स्टार्ट हो गया है माशाल्लाह से। ये जो है राइस कितने कमाल के ऐड करनी है, ये चेक करें जीरे वाले पानी में
हमारे प्याज भी तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं माशाल्लाह से, बहुत ही कमाल की लुक दे रहा है। और हमारा जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट भी रेडी हो चुका है, उसको भी ऐड कर लेते हैं। कम्प्लीट हमने जो है वो राइस ऐड करनी है, ये चक्कर माशाल्लाह से। अब इसमें ऐड करें अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको थोड़ा कलर देते हैं, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना उसके बगैर आपके राइस इनकम्प्लीट हो जाते हैं। तो कंप्लीट करने के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट जरूरी है। और हाँ, क्या बेहतरीन खुशबू आ रही है, यकीन करें बहुत आला माशाल्लाह से। अच्छा इस वक्त जो है ना मुझे जो राइस की खुशबू आ रही है वो बहुत ही कमाल की है, और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही हैं। ये देखें आप ना, ये चेक करें माशाल्लाह। अब इसमें जो है ना हम लोग हरी मिर्च का एडिशन कर रहे हैं थोड़ा सा, और साथ में इसको हिलाते जाएंगे क्योंकि मसाला जात इसके अंदर जो है ना वो सी बहुत होते जाएंगे माशाल्लाह से ना। ये देखें, और अब जो है ना हमने ऐड कर दिया टमाटर, बिस्मिल्लाह। ये जी अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं जीरा। तो जीरे को जो है ना हम बीच में जो है ना वो ऐड करेंगे, तकरीबन जो है ना वो हमने दो चुटकियाँ जीरे की ऐड कर ली हैं अंदाजे के साथ, बेहतरीन बेमिसाल। साथ में जो है ना इसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हैं हम, तो जो है ना इसमें तकरीबन दो से तीन जो है ना वो हमने चम्मच सॉल्ट ऐड कर लिए। ये देखिए अब इसका मसाले का कलर चेक करेंगे कितने कमाल का माशाल्लाह से ना। माशाल्लाह से अब इसमें ऐड कर रहे हैं बिरयानी मसाला। ओए बिरयानी मसाला के यार साथ कलर इसका बहुत ही अच्छा हो चुका है माशाल्लाह से, और खुशबू है तो मैं आपको बता नहीं सकता ना, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दही को हम नहीं भूल सकते, अब हम इसमें दही ऐड कर रहे हैं माशाल्लाह से। ये चेक करें क्या जो है ज़बरदस्त खुशबू का यॉगर्ट ऐड कर दिया है थर्ड। अब इसको जो है वो मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। नहीं जी ये हमारा मसाला हमने अच्छे तरीके से भून लिया है, अब हम इसमें जो है वो चिकन को ऐड कर देते हैं माशाल्लाह से। ये चेक करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन की बोटियाँ इसमें जो है वो ऐड कर देनी है और इसको अच्छे तरीके से दम पे हमने पका लेना है। उसके बाद जो है ना उबलते हुए राइस जब हमने डालनी है उसकी दिखानी है तय, तो ये बनेगी हमारी बहुत ही कमाल की तय वाली बिरयानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चेक करें जी ये हमारी ग्रेवी और साथ में हमारा चिकन जो है वो बहुत बेहतरीन किस्म का रेडी हो रहा है। अब इसमें जो है वो एक लेमन निचोड़ लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेमन निचोड़ता हुआ इसमें कितना कमाल का है माशाल्लाह से। चावलों को भी हम जो निकाल लेते हैं माशाल्लाह से। ये चेक करें बॉयल हुए राइस हमने जो है वो निकाल लिए हैं इसमें, कितने कमाल के हैं। लेमन जो है ना वो हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमने जो है ना वो काट लिए हैं। अब ये चेक करें हमारा जो है ना वो पुदीना भी यहाँ पर रेडी है, और सबसे बेहतरीन हमारा जो है ना वो मसाला चावलों का यानी जो है ना वो रेडी हो चुका है। जिंदा कलर जो है ना उसको हम लोग जो है ना वो यहाँ पर बैठ रहे हैं, उसका जो है ना वो कलर निकाल रहे हैं। अभी जो है ना इसको हम लास्ट में ऐड करते हैं माशाल्लाह से। चेक इसमें हमने ऐड कर लिया है आलू बुखारे की चटनी को, जो कि इसको बनाएगी बहुत ही कमाल का माशाल्लाह। जो है ना वो हम ऑयल ऐड कर देंगे इसमें ग्रीसी करने के लिए माशाल्लाह से। ये चेक करें अभी इसमें जो है वो हमने घी को ऐड कर लिया है, और इसको अच्छे से भी हम जो है ना ग्रीसी कर लेंगे ताकि चावल क्या लगे। अब अभी जो है ना वो चावलों को यहाँ पर रखने वाले हैं दम पे, और इसमें जो है ना ये बना हुआ मसाला इसका जो है वो ऐड कर देंगे, तो फिर ये बताते हैं आपको दिखाएंगे ये कैसे बनने वाले हैं माशाल्लाह से। इस वक्त हम लोग जो है वो तड़का लगाने के लिए प्याजों को भून रहे हैं ऑयल में अच्छे तरीके से। आप इसका कलर चेक करें, लुक चेक करें, और भूल जाएं कि आज क्या बनने वाला है माशाल्लाह से। इसका एरियल व्यू चेक करें आप, कितने कमाल के प्याज हमारे जो है ना वो ब्राउन हो रहे हैं, और ये कितनी कमाल की लुक देने जा रहा है। तय वाली बिरयानी की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग जो है वो इस पतीले को थोड़ा ग्रीसी कर देंगे, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे सबसे कमाल के चावल जो कि हमने बॉयल किए होंगे माशाल्लाह से। ये चेक करें हम लोग जो है ना वो राइस चीज़ को इसमें ऐड कर रहे हैं माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कि हमने एक लेयर लगा ली है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमने जो है ना वो लेयर इसमें जो है वो ऐड कर ली है। अब हम इसमें जो है ना वो ऐड करेंगे जहाँ पर जो है ना वो बनाया हुआ मसाला इसका जो है ना वो बनाया हुआ चिकन बिरयानी का, जो कि चिकन की फॉर्म में है हार्डली। अब ये चेक करें माशाल्लाह से कितना बेहतरीन किस्म का जो है ना ये मसाला रेडी हुआ भाई। ये देखें चिकन से उठाते हैं और इसमें ऐड करते हैं थोड़ा, इसमें जो है ना वो पुदीना ऐड करेंगे थोड़े से, इसमें बारीक लेमन कटे हुए ऐड करेंगे, तेज पात ऐड करेंगे माशाल्लाह।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसमें मज़ीद जो है ना वो राइस ऐड कर लेते हैं। ये देख करिए कितने कमाल के राइसिस को हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं। ये देखें जी, बेहतरीन बेमिसाल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत शानदार बेमिसाल। माशाल्लाह से ये देखिए हमने इसकी भी लेयर लगा दी है ऊपर चिकन की। इसमें फिर जो है वो करियंडर ऐड कर रहे हैं, सॉरी इसमें जो है वो ऐड कर रहे हैं हम लोग मिंट, और साथ में जो है ना वो तेजपात, बेहतरीन किस्म के जो है ना वो लास्ट में हमारे राइस बचे हुए हैं, इसको भी हम लोग जो है वो निकाल देते हैं। इसमें मसाले में थोड़े से भिगो के हमने जो है वो निकाल लिए, ये चेक करें माशाल्लाह से, सुभानअल्लाह। अब इसकी चेक करें राइस की कमाल की है, और क्या ही बेहतरीन है। लास्ट में हमने ऐड कर रहा है ऊपर बहुत ही कमाल का पुदीने के पत्ते, क्योंकि पुदीने के साथ इस चावलों का जो है ना वो जायका खुशबू निकलेगी, वो हमने जो है ना इसमें ऐड कर देने हैं। साथ में हमने ऐड कर रहा है जो फ्राई किया हुआ प्याज, जो कि बहुत ही बेहतरीन किस्म का हमने फ्राई कर लिया था, उसको भी हमने ऐड कर देना है। और आपने जो इसमें चीज नहीं भूलनी, वो आपने नहीं भूलनी, वो है लेमन और फूड कलर, उससे इस बिरयानी का कलर जो है ना वो निकलेगा। हमने ऐड करेंगे इसमें फूड कलर, जो कि इसकी जान है, शान है और पहचान है। माशाल्लाह से ये चेक करें हमने जो है ना वो फूड कलर कितने कमाल का इसमें ऐड कर दिया है, बेहतरीन बेमिसाल। और इसको दम दे देंगे 15 मिनट के लिए। आप ये चेक करें यहाँ पर चिकन को फ्राई कर रहे हैं बहुत ही कमाल का, माशाल्लाह से जो है वो पीस बनाने के लिए सॉल्टी किस्म का जो है हमारा चिकन है, जो कि हम इसको जो है देसी चिकन का फ्राई कर रहे हैं। माशाल्लाह से ये लुक चेक करिए कितनी कमाल की है, चिकन फ्राई कितने कमाल का हो रहा है, इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह से, क्या बेहतरीन किस्म का जो है ना वो चिकन फ्राई हो रहा है। माशाल्लाह से आप ये चेक करें बिरयानी कितनी कमाल की है, जो कि यहाँ पर रेडी हो गया आ चुकी है, बहुत ही बेहतरीन किस्म के यहाँ पर लेग पीस भी जो है वो रेडी हो गया आ चुके हैं, और उनके ऊपर जो है ना वो ये डली हुई सौंफ कितने कमाल की लुक दे रही है माशाल्लाह से। वाह, सुभान अहमद भी कह रहे हैं वाह। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, हमने जो बिरयानी बनाई वो लाखों में एक। अभी जो है ना वो हम जो है ना इसको ट्राई करने वाले हैं, इसकी फर्स्ट बाइट आप चेक करें पुदीने के साथ, और साथ में जो है फूड कलर के साथ कमाल है, अखीर है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में भी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। यार कमाल की बिरयानी है आपके सामने तैयार की है, हाइजेनिक फूड है और अखीर है, मैं कहता हूँ मजा आ गया। आप इसका कलर चेक करें, लुक चेक करें, ऐसे लग रहा है जैसे मैं सियालकोट की बिरयानी खा रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत ही कमाल की है, बहुत ही जबरदस्त किस्म की है। ये अल्हम्दुलिल्लाह कमाल की है। साथ में ये जो पीस बने हैं ना ये चेक करें आप, हाँ क्या जो है ना वो जूसी किस्म के पीस हैं, और थोड़े राइस के ऊपर रख के अभी हम इसको भी टेस्ट कर लेते हैं लास्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, चला।